वेलकम आप सभी का बच्चों। तो कॉनिक सेक्शन आज हम देखेंगे। कॉनिक सेक्शन में क्या होता है? कॉनिक सेक्शन एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन आसान चैप्टर है। फॉर्मूले वगैरह होते हैं ना, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्वेश्चंस आराम से मैनेज हो जाते हैं। तो बच्चों इस डे 1 से 1.5 घंटे की क्लास में आप पूरा कॉनिक तो नहीं पढ़ सकते, तो एक्सपेक्टेड है आपसे कि आपने पहले पढ़ाई की होगी। इस क्लास की मदद से आपको कंप्लीशन की फीलिंग आ जाएगी। आप ये बोल सकते हो कि मेन मेन चीजें मैंने दोबारा से एग्जाम के बस कुछ टाइम पहले देख ली हैं, तो जब मैं एग्जाम में जाऊंगा ना और जो मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो काफी मिलते जुलते ही होंगे। तो चलिए कॉनिक सेक्शन में चलिए पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर हम सीधा क्वेश्चन सॉल्विंग पर आएंगे, और जो थ्योरी वहां थोड़ी बहुत नहीं आएगी वहां पे उसे फिर से देख लेंगे। तो आप हम लास्ट मिले थे बच्चों इंटीग्रेशन में। मेरा नाम अनिमेश है, मैं IIT दिल्ली से पास आउट हूँ और खुद VMC में ही काफी सालों पहले पढ़ता था। तो कॉनिक सेक्शन में सबसे पहले हम पैराबोला से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैराबोला से शुरू करते हैं। तो पैराबोला में जो इक्वेश पैराबोला की जो फिगर होती है, स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए हम रिजल्ट याद करते हैं वो ये होती है। जो स्टैंडर्ड पैराबोला जिसके लिए रिजल्ट याद करते हैं वो ये पैराबोला होता है। उसकी इक्वेशन क्या होती है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, राइट। जिसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब एक्सिस तो आप जानते ही हो, एक्सिस तो आप जानते ही हो, उसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आप ये तो जानते हो कि एक्सिस ऑफ पैराबोला वगैरह क्या है। तो बेसिक से एक बार फटाफट देख लेते हैं। इसमें एक पॉइंट होता है एस, एस होता है 1,0, जिसको हम बोलते हैं फोकस। एक ये पॉइंट है अपना वी, तो वर्टेक्स यहां पर 0,0, वी को बोलते हैं वर्टेक्स, राइट। वी होता है क्या? वर्टेक्स। ये आपका होता है एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये होता है टेंजेंट एट वर्टेक्स। एक्सिस ऑफ पैराबोला, टेंजेंट वर्टेक्स। तो जो एक्सिस ऑफ पैराबोला टेंजेंट वर्टेक्स से वापस से परपेंडिकुलर है, वो मिलते कहां पर हैं? वो वर्टेक्स पे मिलते हैं, राइट। तो फिगर की ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। फिगर को आपने ढंग से ऑब्जर्व किया है ना, तो कोई नया सा क्वेश्चन भी आएगा तो आप आराम से डील कर सकते हो, ठीक है बच्चों। एक और चीज होती है यहाँ पर, एक और चीज होती है डायरेक्ट्रिक्स होती है, एक और चीज होती है डायरेक्ट्रिक्स। इसकी क्वेश्चन होती है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। पैटर्न ऑब्जर्व करिए, आई एम श्योर आपने देखा होगा, स्कूल लेवल पे भी ये चीजें करते हैं, तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी एक बार फटाफट देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्विंग में कोई खास परेशानी में आए ना। फिर और क्या इंपॉर्टेंट बात है आप नोट कर सकते हैं? एक पैरामेट्रिक फॉर्म होता है, एक पैरामेट्रिक फॉर्म होते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म देखिए, कई बार पैरामीट्रिक फॉर्म ना अंदाजे से भी फाइंड करना होता है, लेकिन मोटा मोटा एक आइडिया है ना तो अंदाजा लगाना भी पॉसिबल हो जाता है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म अगर देखेंगे तो अगर आप एक्स को एटी स्क्वायर रखेंगे तो वाई आपका 280 आएगा। बच्चों पैरामीट्रिक फॉर्म का क्या फायदा होता है? पैरामीट्रिक फॉर्म का फायदा ये होता है कि टी के जो मर्जी वैल्यू रखो, आप टी की जो मर्जी वैल्यू रखिए, ये जो पॉइंट है ना 80^2, 80 बार बार पैराबोला को सेटिस्फाई करता है। आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप एक्स नॉट कमा वाई नॉट एज्यूम करते हैं तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि एक्स नॉट कमा वाई नॉट लाइज ऑन पैराबोला। बट पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करने का एडवांटेज ये है, जो इनहेरेंटली उसकी नेचर में है कि वो कर्व को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो एक इक्वेशन हमारी कम हो जाती है, हमारा काम काफी कम हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई। बाकी आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाई है तो आप टेंजेंट वगैरह की इक्वेशन यहीं से डिराइव कर सकते हो ना। जैसे dx पर dt कर दिया, dy पर dt कर दिया, दोनों का रेशियो लेके dy बाय dx फाइंड कर लिया। ये सब बोर्ड एग्जाम में भी आपने किया होगा, तो कोई बहुत बड़ी बात आपके लिए है नहीं वो सब, ठीक है। टेंजेंट पर हम आएंगे, टेंजेंट के पहले एक और छोटी सी बात कर लेते हैं। अच्छा एक लैटस रेक्टम होता है, लैटस रेक्टम क्या होता है? एक कॉर्ड, कॉर्ड एक फोकल कॉर्ड रहता है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, राइट। ये रैंडम नहीं होता, इसकी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होते हैं। जैसे इस ग्रीन जो मैंने लाइन बनाई, इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए होगी, ठीक है। लैटस रेक्टम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसकी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए होगी। अब अगर आप एक्स इक्वल टू ए को सॉल्व, एक्स इक्वल टू ए को बच्चों आप सॉल्व करिए किसके साथ? पैराबोला के साथ। एक्स इक्वल टू ए को पैराबोला के साथ आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो एल है वो मिल जाएगा 1,2a,
और एल प्राइम मिल जाएगा ए कॉमा माइनस टू ए। तो रेक्टम की जो लेंथ है ना बच्चों वो हो जाएगी 4। अब देखो 4a कोई कोइंसिडेंस नहीं है, पैराबोला की इक्वेशन देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4a इनटू x, y स्क्वायर इक्वल टू 4a इनटू x। तो 4a जो है ना वो पूरा पूरा लैटस रेक्टम होता है। तो ये ऑब्जर्वेशंस बहुत काम आती है, मेंस में शायद इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी आगे जरूरत पड़ सकती है। मेंस में तो सिंपल सिंपल सा ही आता है, कोई खास मुश्किल होती नहीं है इन क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, फिर अब एक जब ये देख लिया तो एक फोकल कॉर्ड भी होता है। फोकल कॉर्ड कौन से कॉर्ड्स होते हैं? जैसे लैटस रेक्टम भी आपका फोकल कॉर्ड है, लेकिन वो ऐसा फोकल कॉर्ड है लैटस रेक्टम जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है। बाकी नॉर्मल फोकल कॉर्ड्स भी होते हैं, सिंपल फोकल कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है। तो उन फोकल कॉर्ड्स में इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो एक बार दोबारा फिगर बना के फटाफट नोट कर लेते हैं। हैंडराइटिंग आपकी अच्छी है तो आप उसी फिगरें बना सकते हैं, मैं रिस्क नहीं लूंगा तो मैं दूसरी फिगरें बना रहा हूँ। तो बच्चों ये अगर फोकस है तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जो फोकल कॉर्ड है ना, जैसे ये जो कॉर्ड है, ये हम प्रूफ कर सकते हैं, टाइम नहीं है और जरूरत नहीं है प्रूफ करने की, आपने किया भी होगा कि इसका पैरामीटर अगर टी वन है, पैरामीटर टी वन है मीन्स पॉइंट है 81^(281)। मैं रिपीट करता हूँ, पैरामीटर टी वन है मीन्स पॉइंट है 81^(281)। पैरामीटर टी टू है मतलब पॉइंट है 82^(282)। तो हम प्रूफ कर सकते हैं आसानी से कि टी वन टी टू का जो प्रोडक्ट होता है ना वो माइनस वन होता है। ठीक है, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, इसकी जो लेंथ होती है ना बच्चों, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है ए टी टू माइनस टी वन का स्क्वायर। इसकी जो लेंथ होती है बच्चों वो होती है ए टी टू माइनस टी वन का स्क्वायर। और अगर आप टी टू को टी बोल दें, अगर आप टी टू को टी बोल दें तो टी वन आपका माइनस टी हो माइनस वन बाई टी हो जाएगा, राइट। टी टू को बच्चों अगर आप टी बोल दें तो टी वन माइनस वन बाई टी हो जाएगा। टी वन अगर माइनस वन बाई टी हो जाएगा तो इसकी जो लेंथ है ना, इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी ए टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर। इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी ए टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस अब टेंजेंट के बारे में देखते हैं, फिर हम एलिप्स और हाइपरबोला के बारे में देखेंगे और सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्विंग पर आ जाएंगे। देख लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए करना चाहते हैं तो, यहाँ से भी अगर कोई छूट गया तो बाई चांस स्क्रीन से ढक गया होगा तो उसको भी नोट कर सकते हैं, तो इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं टेंजेंट, टेंजेंट के बारे में बात करते हैं। तो पहले तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, अगर ये सर्कल होता ना तो ज्योमेट्री यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सर्कल नहीं है तो ज्योमेट्री इतनी यूजफुल होती नहीं है बाकी कोनी सेक्शन में, तो मैथमेटिकली ही करना पड़ता है। तो मैं तरीका बता देता हूँ ताकि कुछ नया आ जाए तो आप आराम से ढूंढ सकते हो। तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर टेंजेंट होना है इस पैराबोला को, तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, ध्यान से सुन लीजिएगा इसको, या वाई को एलिमिनेट करिए दोनों इक्वेशन की मदद से और डिस्क्रिमिनेंट को जीरो कर दीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, या वाई को बच्चों एलिमिनेट करिए और डिस्क्रिमिनेंट जो कि बहुत बचपन में पढ़ा था आपने, 3 साल हो गए पढ़ते हुए, क्लास 10 में पढ़ा था, उसको उठा के जीरो कर दीजिए, राइट। तो उससे जो कंडीशन आएगी ना वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होगी। क्या आएगी वो मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ नया सिनेरियो आ गया ना जिसे मैच नहीं करता बच्चों तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो कंडीशन आने वाली है, बड़ी प्यारी सी कंडीशन आती है, उसको ढंग से याद कर लीजिए और क्वेश्चन में भी हम उसको यूज करेंगे। तो वो कंडीशन होती है सी इक्वल टू ए बाई, कंडीशन होती है सी इक्वल टू ए बाई, अच्छे से इस बात को याद कर लीजिए। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर लाइन टू बी अ टेंजेंट टू अ पैराबोला। कंडीशन टेंजेंसी देखने के बाद हम जरा इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट पे भी नजर मार लेते हैं। तो इक्वेशंस में एक पॉइंट फॉर्म होता है सबसे पहले, पॉइंट फॉर्म मतलब एट एक्स वन कॉमा वाई वन। तो बच्चों टेंजेंट ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, टेंजेंट ट्रांसफॉर्मेशन कब काम आती है? जब कर के किसी पॉइंट पर टेंजेंट के बारे में बात होती है। मैं रिपीट करता हूँ, टेंजेंट ट्रांसफॉर्मेशन तब काम आती है जब कर के किसी पॉइंट पर टेंजेंट के बारे में आपको बात करनी होती है। तो टेंजेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं एक्स एक्स वन से, अगर है तो वाई स्क्वायर है तो वाई वाई वन से, एक्स अगर है तो एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, y अगर है तो y प्लस वाई वन बाई टू से, और अगर xy है बच्चों तो xy1 प्लस x1y बाई टू से।
ये हर कोनिक के लिए वैलिड है, सर्कल के लिए भी वैलिड है जो बाद में आप पढ़ने वाले हो। तो टेंजेंट ट्रांसफॉर्मेशन आप एक बार याद कर लेंगे ना तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि टेंजेंट ट्रांसफॉर्मेशन कब काम आती है, जब किसी कर्व पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट के बारे में हमें बात करनी होती है, राइट। तो अगर टेंजेंट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ लगा दी जाएगी, टेंजेंट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ लगा दी जाएगी तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स आपका कर्व है। अब अगर इस पर टेंजेंट फाइंड करना चाहते हो बच्चों, तो वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे वाई बाई वन से, फोर ए एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, तो जो आएगा वो आएगा। यह है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट एक्स कोमा वाई वन, वेयर एक्स वन कोमा वाई वन लाइज ऑन द पैराबोला। ठीक है बच्चों, पॉइंट फॉर्म होगी पॉइंट फॉर्म हो गया। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसा नेचर आता है, तो मैं अगर मैं तरीका बता देता हूं ताकि कुछ नया हुआ ना बच्चों तो आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब एट कौन सा पॉइंट, 80 स्क्वायर कोमा 280। तो मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक क्या है, एक्स 80 स्क्वायर वाई 280 है, तो आपका डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा 280 और डी वाई बाई डी टी हो जाएगा बच्चों 280। जो स्लोप होता है वो डी वाई डी एक्स का रेशियो होता है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो तो डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो इन दोनों को डिवाइड कर दोगे आप तो 1/t आ जाएगा, जिसको कि आपको याद कर लेना चाहिए, कम से कम इतना तो याद कर ही लो कि टेंजेंट का जो स्लोप होता है ना वो 1/t होता है, जहाँ पे टी पैरामीटर है, जहाँ पे टी पैरामीटर है पैराबोला। इन पैराबोला बदलेगा तो ये चीजें बदल जाती है, इसलिए मैंने बेसिक से आपको बताया कि डेरिवेटिव वाली फंडामेंटल तो हमेशा वैलिड रहती ही रहती है। ठीक है, अभी इक्वेशन चाहिए ना हमें, तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं स्लोप ऑफ फॉर्म से, पॉइंट क्या है 80 स्क्वायर कोमा 280, तो y - y1 = स्लोप x - y - y1 = स्लोप x - x1। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आप याद कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो जहाँ सी ए बाई एम है और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से हमने पहले देख ही लिया था सी ए बाई एम होगा, कैसे होगा देखा था, मतलब एग्जैक्टली कैलकुलेशन करके हमने नहीं देखा था लेकिन तरीका हमने समझ लिया था, कहीं जरूरत पड़ी ना कभी भी तो हम उसे मैनेज कर सकते हैं। तो फॉर नाउ दिस विल बी ऑल फॉर पैराबोला, हम थोड़ा एलिप्स देखते हैं, थोड़ा हाइपरबोला देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग में अगर कुछ कमी रह जाएगी तो उस पर भी थ्योरी पे बात कर लेंगे, क्योंकि थ्योरी तो फिर अनंत, थ्योरी तो बहुत बड़ी है ना इसकी, थ्योरी में ही मतलब थ्योरी में ही आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे पैराबोला की थ्योरी थ्योरी देखोगे, लेकिन मेंस पे इतनी कुछ हेडेक आती नहीं है, और वैसे भी आप काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ चुके हो बिल्कुल फ्रेश आउटलुक से, तो इस कोर्स को आप नहीं पढ़ रहे हो ना, ये तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बच्चों कि 1.5 घंटे में आपने अगर कोई कुछ भी नहीं पढ़ा पहले से तो बस 1.5 घंटे में पढ़ के आप एग्जाम में अच्छा क्रैक कर सकते हो, तो नहीं हो पाएगा ना। प्रैक्टिकल बात अगर हम करें तो प्रैक्टिकल बात ये है कि हमने कोई पढ़ा है, ठीक है थोड़ी बहुत कमी रह गई है, तो पढ़ के ना तो रिफ्रेश हो जाएगा और एक वो सेंस ऑफ कम्प्लीशन, सबसे मैं बार बार यूज करता हूँ ये फ्रेज, सेंस ऑफ कम्प्लीशन आएगा, ताकि हम उसे क्वेश्चंस को करने में कॉन्फिडेंट वे में उसे डील कर सकें। ठीक है, तो चलिए पैराबोला की बात खत्म हो जाती है, अब हम आ जाते हैं एलिप्स पे। अच्छा, पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी 1 होती है, ये आप मेंशन नहीं किया आपने, तो जैसे एस पी ओवर पी एम एसेंट्रिसिटी होती है और एलिप्स के लिए 1 से छोटी होती है, पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी 1 होती है, अलग से आप नोट कर लो, पैराबोला के लिए ना बच्चों एसेंट्रिसिटी 1 होती है। एस पी पी एम क्या है, एस फोकस है, पी मूविंग पॉइंट है, पी एम मूविंग पॉइंट से एक फिक्स लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सब आता होगा आपको, नोट कर लीजिए अगर नहीं आता तो, एस फोकस है, पी मूविंग पॉइंट है और PM उस मूविंग पॉइंट से एक फिक्स लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो एस पी पी एम का रेशियो अगर 1 होता है ना तो जो P है वो पैराबोला पे मूव करता है, एस पी पी एम का रेशियो अगर 1 से कम होता है तो जो P पॉइंट है वो एक एलिप्स पे मूव करता है, और उस एलिप्स की इक्वेशन ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ काम की ज्यादा फोकस रखते हुए हम बोल सकते हैं कि ये एलिप्स की आपकी इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, ये आपके एलिप्स की इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ना ये किसी पर्टिकुलर फिगर के लिए है, अगर फिगर वगैरह बदलेगी चीजें बदलेंगी तो आपकी ये इक्वेशन में भी थोड़ा बदलाव आ जाएगा। तो
कौन से फिगर के लिए बात सही है वो देख लेते हैं। एक्सिस है बच्चों का, ये एलिप्स है जिसमें से ये जो पॉइंट है ना वाई को जीरो रखी थी, 1.0 माइनस 1.0 वर्टिसेस है, ये भी है, ये 0.b चेक करके देखो, 0 रखोगे तो आराम से आ जाता है 0.b। फोकस का आंसर इसे फोकस यहाँ पर होता है, इसको नोट करिए बच्चों, ये फोकस होता है S और S प्राइम। अच्छा S का कोऑर्डिनेट होता है AE.0, S प्राइम होता है -AE.0। S होता है AE.0, S प्राइम होता है -AE.0। E क्या है? एसेंट्रिसिटी है, तो भाई एसेंट्रिसिटी भी तो लिंक्ड होनी चाहिए ना, ये विजिबल कुल होती है। उसका फॉर्मूला भी याद करिए, E² = 1 - B² / A² assuming कि a b से बड़ा है। बच्चों अगर a b से छोटा हो जाएगा ना तो पासा पलट जाएगा, याद कर लीजिए इस बात को, अगर a b से छोटा हो जाएगा ना तो एसिडिसिटी में a b आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, राइट। और जो इक्वेशन आपको, जो आपको फिगर दिख रही है ना, फिगर भी थोड़ी ऐसे हो जाएगी कि जो मेजर एक्सिस अभी x एक्सिस पे दिखता है वो मेजर एक्सिस अब y एक्सिस पे हो जाएगा, कब? जब a b से छोटा होगा। तो हमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि a b से छोटा है या नहीं है। अगर a b से छोटा है ना चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी, राइट, चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। खैर यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि ए बी से बड़ा, पहले एक चीज तो सीख ले, एक चीज सीख लेंगे ना तो चेंज करना थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए, ठीक है बच्चों। तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला देखा हमने, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला देखा, और भी कुछ चीजें देखने की है इसमें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी लैटर सेटअप होता है, यहाँ पर भी लैटर सेटअप होता है। अगर यहीं पर ड्रॉ करने की कोशिश करें, ये डॉट लाइन रहने मैंने येलो से L और L prime, तो लैटर सेटअप को शॉर्ट फॉर्म में LR लिखूं मैं, पहले इसकी मैं इक्वेशन लिखूं। तो इक्वेशन होती है x = AE, वर्टिकल लाइन AE पर x = AE इक्वेशन। आप बच्चों अगर x = AE को एलिप्स के साथ सॉल्व करोगे ना, करने की जरूरत नहीं स्टेज पे, लेकिन करते अगर तो आपको आसानी से पता चल जाता कि जो L है ना वो आता है AE, B² / A, और L prime बच्चों वो आता है AE, -B² / A। इससे हमें क्या पता चलता है, जो लैटर सेटअप की लेंथ है ना वो 2 × B² / A होती है, और B और A ना कोई रैंडम नंबर्स नहीं है। जो A है आपका, रेदर जो 2A है वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, जो 2A है आपका वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, और जो 2B है बच्चों वो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। तो पैटर्न के हिसाब से याद करेगा 2 × B² / A, तो B क्या है? माइनर एक्सिस कहाँ था, A क्या है? मेजर एक्सिस, लेकिन तब जब A B से बड़ा है। अगर A B से छोटा हो जाएगा ना मेरे बच्चों तो चीजें बदल जाती हैं, वो एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि जो चीजें निकाली जा रही है ना वो फिगर से निकाली जा रही है, तो आपका फिगर ऐसे ओब्लीक हो जाएगा, ये ऐसे लेटा हुआ है ना वो अपराइट हो जाएगा, कब? जब A B से छोटा होगा तब, ठीक है। तो आपने बेसिक्स कुछ कुछ देख लिया, वर्टेक्स, हाँ डायरेक्ट्रिक्स भी देखना जरूरी है इसमें, डायरेक्ट्रिक्स हमने नहीं देखा यहाँ पर, तो डायरेक्ट्रिक्स देख लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स जो होगा ना बच्चों, इसकी एक इक्वेशन होती है x = A/E, x = -A/E। तो मेरे बच्चों आप देख रहे होंगे कि यहाँ दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स है, पैराबोला में क्या था, एक फोकस था और एक ही डायरेक्ट्रिक्स था, यहाँ पर दो डायरेक्ट्रिक्स हैं और उसके दो कॉरेस्पॉन्डिंग फोक ही है। तो कभी कर कॉरेस्पॉन्डिंग को यूज करें तो आप समझ लेना कि जिधर की डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बात हो रही है ना, आपको उधर का ही फोकस बताना है, दूसरा फोकस बताओगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों, अच्छे से इस बात को याद कर लीजिएगा, ठीक है। और क्या क्या देख सकते हैं, जैसे दोनों फोकस के जो बीच का डिस्टेंस है वो 2AE है, वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें यहाँ से, फिगर आप अगर एक बार याद कर लो ना तो काफ़ी कुछ आप यहाँ से बोरो कर सकते हो बाद में भी आपका। तो फिगर को समझ के याद करना बहुत ज़रूरी होता है, कम से कम मेंस जैसे एग्जाम में, तो एडवांस में भी कोनिका को ऐसा कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है, ये मेंस में तो कुछ ज़्यादा ही आसान आता है। अगर आसान नहीं लगता बच्चों आपको तो मतलब आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, आपने चीज़ें पढ़ी नहीं है। अगर चीज़ें पढ़ के जाओगे ना तो यकीन मानो कोनिक सर्कल ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको डिफिकल्टी क्रिएट वहाँ पर नहीं करते हैं। ऐसा हर चैप्टर के साथ नहीं है, जैसे सीक्वेंस सीरीज है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, इनमें से गारंटी नहीं ले सकते आप, इतना भी पढ़ के जाओ, वेक्टर्स है,
इतना ही पढ़ के जाओ, वहाँ दिक्कत हो सकती है, लेकिन इन चैप्टर में जो कॉटन ज्योमेट्री है ना मैथ्स का, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती बड़ी। मतलब इसको एनोलॉजी से ऐसे बोल सकते हैं, पता नहीं कितनी सही एनोलॉजी है, कि जो कॉर्डिनेट ज्योमेट्री है ना बच्चों, वो मैथ्स का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जो कॉर्डिनेट ज्योमेट्री है दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ मैथ्स, बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिमाग नहीं लगाना, इन्फॉर्मेशन है। आपको चीज़ें पता है तो आप कर सकते हो, चीज़ें नहीं पता तो कितने भी स्मार्ट हो आप नहीं कर सकते। कॉर्डिनेट ज्योमेट्री भी कुछ हद तक, कंप्लीटली नहीं, कुछ हद तक वैसा ही है। मैथ्स से थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ता है, लेकिन काफ़ी मेमोराइजेशन है इसे, मेमोराइजेशन है, रूटीन स्टफ है, एक ही चीज़ बार बार आती है, तो बहुत सरप्राइज वाला एलिमेंट इसमें नहीं रहता है। मतलब कोनिक का क्वेश्चन एग्जाम में छूटता है तो एक तकलीफ तो होती है कि ये क्या हो रहा है, कोनिक का तो बनता नहीं छूटता, अनलेस कि किसी ने सोच के बहुत कोई मुश्किल बना दिया। ऐसा अभी तक मुझे तो याद नहीं आ रहा कभी उन्होंने पिछले 10-15 सालों में ऐसा किया हो। ठीक है, तो हम टेंजेंट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो टेंजेंट के बारे में जब बात करनी है बच्चों, तो सबसे पहले कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का नाम आएगा। सबसे पहले कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक लाइन, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे इसके बेसिस पे। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये टेंजेंट है इस एलिप्स के लिए। तरीका क्या हुआ डिराइव करने का बच्चों, वाई वही तरीका जो ऊपर लिखा था, तो अब लिखने का पॉइंट नहीं है कि वाई को एलिमिनेट करिए और डिस्क्रिमिनेंट को उठा के जीरो डाल दीजिए। ऐसा करने से ना आपको एक जबरदस्त कंडीशन मिलती है, उसको आप याद करिए। अगेन यह ज्योमेट्री वगैरह यूजफुल नहीं है, इसलिए हमें मेमोराइजेशन पे फोकस करना पड़ता है, थोड़ा याद करना पड़ता है मैथमेटिकली रिएक्ट करने के बाद। डेरिवेशन को हम ओवरलुक कर रहे हैं, डेरिवेशन को देखने का टाइम नहीं है और जरूरत नहीं है इस टाइम पे, सिर्फ रिजल्ट हम याद करने पे फोकस अपना रख रहे हैं। ये कंडीशन होती है ताकि लाइन इस के लिए टेंजेंट बन सके। ठीक है, चलो कंडीशन टेंसी हो गई, जरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी देख लिया जाए। तो जरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी देख लेते हैं, तो पॉइंट फॉर्म देख लेते हैं एट एक्स1 का वहाँ पर। अभी अभी मैंने ऊपर आपको टेंजेंट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया, राइट, अभी बच्चों आपको टेंजेंट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया, उसमें सिखाया है ना कि करना क्या होता है आपको एक्स का जो एलिप्स है, एलिप्स की चलो इक्वेशन लिख, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है वाई वाई वन से, कॉन्स्टेंट को डिस्टर्ब नहीं करना होता है। ऐसा करने से जो इक्वेशन आती है ना, वो आती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स एट द गिवन पॉइंट। ठीक है, पॉइंट फॉर्म डन। अब हम पैरामेट्रिक फॉर्म देख लेते हैं। अच्छा, पैरामेट्रिक फॉर्म स्टूडेंट ने लिखा नहीं पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगी, मैं ज़्यादा आपको कहानी नहीं समझाऊंगा। पैरामेट्रिक फॉर्म एक्स को लिखते हैं एक कॉस थीटा, वाई को लिखते हैं बी साइन थीटा। इसकी भी कहानी कि थीटा कहाँ होता है, लेकिन इस क्लास में फायदा नहीं है इस कहानी के बारे में बात करके, ट्रस्ट रखिए। एक cos थीटा को हम बी साइन थीटा पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो कुछ ही नहीं करना, ऊपर वाला जो आपका लिखा हुआ है ना इक्वेशन, उसमें आप एक्स1 की जगह एक cos थीटा डाल दो और y1 की जगह बी साइन थीटा डाल दीजिए। ऐसा करने से इक्वेशन क्या बन जाएगी, x by a cos थीटा प्लस y by b साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है, एक्स1 में डाल दीजिए आप a cos थीटा, y1 में डाल दीजिए b साइन थीटा, तो एक एक कट जाएगा बाकी सारा ये बच जाएगा। तो टेंजेंट की इक्वेशन है पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो टेंजेंट की इक्वेशन है पैरामेट्रिक फॉर्म। अब हम स्लोप फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो हम स्लोप फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्लोप फॉर्म वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और अभी अभी बच्चों आपने देखा था कि सी स्क्वायर था ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस, इसकी स्लोप फॉर्म हो गई, राइट। ठीक है, राइट, अभी एलिप्स के लिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर पीछे आगे देखेंगे कौन कौन सी चीजें इसके बारे में और जानी जा सकती है। तो अभी क्या बचा है, हाइपरबोला बचा है। तो हाइपरबोला में
हाइपरबोला में जो काफी पार्ट है वो आपका एलिप्स से मैच करता है। हाइपरबोला में जो काफी पोर्शन है वो बच्चों आपका एलिप्स से कॉइंसाइड करता है। तो वाला पोर्शन देख लेते हैं, फिर कुछ मतलब सब चीजें सेम भी नहीं है, कुछ चीजें डिफरेंट भी है। तो पहले तो फिगर, पहले तो हाइपरबोला पे सबसे पहले फर्क ये है कि एसपी और पीएम जो है ना, ये होता है सेम, मतलब जो प्लस की जगह माइनस कर दोगे ना तो काफी रिजल्ट कॉपी हो जाता है। प्लस की जगह बच्चे और माइनस कर देंगे ना तो काफी रिजल्ट एलिप्स का हाइपरबोला में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ा रिस्की होता है, थोड़ा समझ लेना बेटर। एसपी ओवर पीएम ई है, ई वन से बड़ा है। तो जनरली जो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है ना वो ये होती है। अब ये जो इक्वेशन होती है बच्चों, तो ये भी देखना जरूरी है, मान ले कि ये इक्वेशन कैसे फिगर के लिए होती है। तो जरा इसके फिगर पे नजर किया जाए, ये कैसे फिगर होती है। तो ऐसा होता है, ये दो पैराबोला टाइप, पैराबोला नहीं होता, दो दो पोर्शन है हाइपरबोला के, ठीक है बच्चों। तो जरा पॉइंट्स को अगर नोट किया जाए, ये वी है, ये वी प्राइम है, ए कॉमा जीरो है, ये माइनस ए कॉमा जीरो, ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा, इसका फोकस यहाँ होता है ए कॉमा जीरो, एक फोकस यहाँ भी होता है माइनस ए कॉमा जीरो। बच्चों डायरेक्ट्रिक्स भी होती है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन सेम होती है जो एलिप्स में होती है। अब समझ पा रहे होंगे कि ए बाई ई में ई वन से बड़ा है, ये ए से पहले है, ठीक है। तो ये बेसिक फिगर होती है, लैटर सिस्टम भी होता है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आपको फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स ये सब नजर आ रहा होगा ना बच्चों। अच्छा, इसमें इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, मेजर माइनर नहीं होता, ट्रांसवर्स नीचे लिख देते हैं। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ होती है ना बच्चों वो 2a होती है, और दूसरा वाला ना कॉन्जुगेट एक्सिस होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो 2b होती है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानने की हमें जरूरत नहीं है हाइपरबोला में। हाइपरबोला का क्वेश्चन कम फ्रिक्वेंसी से आता है और जल्दी इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन पैराबोला के ही आते हैं और इलिप्स हाइपरबोला मिलकर, मतलब पैराबोला एक तरफ, इलिप्स हाइपरबोला एक तरफ, ऐसा कुछ वेटेज रहता है। और जो थोड़ा सा ढंग का भी क्वेश्चन आता है ना वो पैराबोला का ही आता है। तो ढंग का क्वेश्चन कहाँ आता है यार, मेंस में कोई ढंग का क्वेश्चन नहीं आता, मेंस में तो सारे ऐसे देखे देखे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होगी, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ होगी, इसे लैटर सेक्टम भी बता दो। तो लैटर सेक्टम देखते हैं बच्चों, तो लैटर सेक्टम में ये रहा एल, एल प्राइम, ठीक है। तो लैटर सेक्टम की बात करेंगे आप, तो पहले इसकी इक्वेशन देखो, इक्वेशन हो जाएगी एक्स इक्वल टू ए। अच्छा, एसेंडेंसी इसका भी रिलेशन होगा जैसे एलिप्स का था, तो इसका ई स्क्वायर होता है वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वहां क्या होता था बच्चों वन माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, मतलब वन प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। लेकिन वहां आपने गौर किया था, वहां वन माइनस ई स्क्वायर, वन माइनस जो हमने फॉर्मूला लिखा था एलिप्स के एसेंडेंसी का, देखिए ऊपर एक बार बदल जाएंगी, लेकिन हाइपरबोला में ऐसा नहीं होगा, ए बी से बड़ा हो या ए बी से छोटा हो, ए बी से बड़ा हो बच्चों या ए बी से छोटा हो, एसेंट्रिसिटी की इक्वेशन यही की यही रहेगी। अच्छा, तो अगर आप इसको लैटर सेक्टम के साथ एक्स टू ए के सॉल्व करते, तो लैटर सेक्टम के जो बच्चों एंड पॉइंट्स है ना वो ही आ जाते ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए और माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। सर ये तो देखा है, बिल्कुल देखा है यार, एलिप्स में भी यही आता है। इसकी जो लेंथ होती है ना बच्चों, लेंथ इसकी हो जाएगी टू इंटू बी स्क्वायर बाई ए। बी क्या है? कॉन्जुगेट एक्सिस का आधा। ए क्या है? ट्रांसवर्स एक्सिस का आधा। इन बातों पर गौर करिएगा, ठीक है, ध्यान गया आपको इन बातों पे। चलिए अब हम टेंजेंट के बारे में बात कर लेते हैं। टेंजेंट बहुत फेवरेट टॉपिक है मेंस में एग्जामिनर्स का, टेंजेंट से ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। तो टेंजेंट के बारे में बात की जाएगी, तो सबसे पहले आपको पता है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम प्रेफर करते हैं बात करना,
कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अगेन ज्योमेट्री में से किसी की भी सुंदर नहीं है, इसलिए हम ज्योमेट्री इस्तेमाल नहीं कर पा रहे जो कि हम सर्कल में कर पाएंगे। यहाँ पर तो हमें मैथमेटिकली ही अपने आप मैथमेटिकली ही भरोसा करना पड़ेगा और कोई रास्ता हमारे पास है नहीं। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की अगर बात की जाएगी तो हम ये बोल रहे हैं बच्चों कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था एलिप्स में, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था एलिप्स में, यहाँ स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा हाइप। ठीक है बच्चों, गौर करिएगा प्लीज इन सब बातों पर आप। ठीक है, प्लस की जगह माइनस हो गया। अब बात कर लेते हैं टेंजेंट्स की इक्वेशन की, बात कर लेते हैं टेंजेंट्स की इक्वेशन की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। तो पॉइंट फॉर्म तो काफी टाइम हो गया ना बच्चों देखते हुए, पॉइंट फॉर्म मतलब एट एक्स वन कॉमा वाई वन। तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। ठीक है, पॉइंट फॉर्म में अगर आपको टाइम की इक्वेशन चाहिए तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है वाई वाई वन से, और कॉन्स्टेंट को डिस्टर्ब नहीं करना होता है। ऐसा करने से आपके आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आती है टेंजेंट टू हाइपरबोला एट द पर्टिकुलर पॉइंट। आपको पता है बच्चों की पॉइंट फॉर्म के अलावा भी चीजें होती है जैसे पैरामेट्रिक फॉर्म, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में बात कर लेते हैं। तो अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में देखेंगे हम तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, वो होता है ए सिकेंट थीटा कोमा बी टैन थीटा। अभी दिखाने का टाइम नहीं है, जरूरत भी नहीं है कि थीटा एक्चुअली होता कहाँ है, इन चीजों की जरूरत हमें नहीं है। ए सिकेंट थीटा कोमा बी टैन थीटा पैरामेट्रिक फॉर्म। तो अगर एक्स वन की जगह आपने ए सिकेंट थीटा डाल दिया बच्चों ऊपर वाली टेंजेंट की क्वेश्चन में, वाई वन की जगह आपने बी टैन थीटा डाल दिया, तो आपकी जो टेंजेंट की इक्वेशन है ना वो हो जाएगी एक्स बाई ए सेकेंड थीटा माइनस वाई बाई बी टेन थीटा कम्स आउट टू बी वन। ठीक है, ये हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म। लास्ट क्या बच गया बच्चों, लास्ट बच गया आपके लिए स्लो फॉर्म। तो सर स्लो फॉर्म तो पहले देख चुके, आप टाइम खराब कर रहे हो। वाई स्क्वायर एम प्लस सी, जहां सी स्क्वायर क्या था ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट करके फाइंड कर, इसी स्क्रीन पे ऊपर लिखा है देखो, तो सर पहले का पता। ठीक है, तो कंडीशन टेंजेंसी देख लिया, तीनों फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट के बारे में हमने देख लिया। अब एक लास्ट पार्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का बचा हुआ है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने नहीं जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं कि उसके क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कैसे किए जाएंगे, और क्वेश्चंस एक बार आइडेंटिफाई कर लो तो करे क्या फिर उसका। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तब बनता है जब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये होता है ना जब ए और बी सेम हो जाते हैं, तब बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है बच्चों, तब बोलते हैं उसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो एसेंट्रिसिटी ना इसकी देखो, वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वन प्लस वन, एसेंट्रिसिटी हमेशा रूट टू होती है। ये बात आप सबसे पहले याद करें कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो एसेंट्रिसिटी होती है ना बच्चों, वो हमेशा रूट टू होती है। पहले तो आप याद करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन इस एग्जाम में आ सकता है। दूसरी बात, इसकी क्वेश्चन फिर कैसे देखेगी, ऐसे देखेगी, और इसको ना ऐसे घुमा के किया जा सकता है। ठीक है, मैं आपको डेरिवेशन नहीं समझा रहा, टाइम नहीं है, जरूरत नहीं समझने की, रोटेशन ऑफ एक्सिस यूज करके ही हो जाता है। आपके टीचर्स ने आपको कराया होगा, नहीं कराया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेंस के लिए तो कोई इशू है ही नहीं बच्चों इन बातों का। मेंस में तो अच्छी अच्छी दुनिया है, मेंस में नंबर नहीं आने का मतलब पता है क्या, मेंस में नंबर नहीं आने का मतलब है कि आप बिल्कुल ही पढ़ाई से आपका वास्ता नहीं है, बुरा नहीं मानना बच्चों, लेकिन मेंस में थोड़ा सा भी पढ़ के जाओगे ना, कॉन्फिडेंट फील करके जाओगे तो एग्जाम खराब नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं बोल रहा कि फुल मार्क्स आ जाएंगे आप बिल्कुल टॉप में आ जाएंगे, लेकिन खराब एग्जाम नहीं जाएगा। थोड़ा सा मोटिवेशन लाइए, अपने आपसे बोलिए कि इतनी सिंपल एग्जाम में अगर हम अच्छा नहीं कर सकते तो आगे जो कॉलेजेस के एग्जाम होते हैं वो भी सिंपल नहीं होते ना, फिर उसमें कैसे डील करेंगे, और पूरी लाइफ भी तो सिंपल नहीं होगी इतना आसान। अब देखो क्वेश्चन, देखो अभी हम देख क्वेश्चन, आप प्रीवियस पहले टीचर्स का देख ही रहे हो, मेरा भी अपने डेरिवेशन का दिया होगा, अभी इसका देखोगे सर्कल का भी देखोगे, तो आप देखोगे नहीं क्वेश्चन देखते आइडिया लग जाता है करना क्या है, इतना कुछ खास आउट ऑफ रीच नहीं लगता, बस सही से कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंजीनियरिंग के इंटरनल एग्जाम से आप जाएंगे बच्चों तो क्वेश्चन पढ़ के आपको सीधा आइडिया नहीं लगता है कि क्या करना है, सोचना पड़ता है, सोच सोच के तब दिमाग में सही बातें आती है।
तो अगर हम यहाँ अच्छा नहीं कर पाएंगे तब तो आगे तो बहुत दिक्कत हमें फेस करनी पड़ेगी, और इस एज में आपको बताना मुश्किल है कि आप क्या करोगी आगे से 5-6 साल बाद, 4-5 साल बाद क्या करेंगे। तो अभी तो बेटर है कि हम अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें, अच्छा डिपार्टमेंट लें, अच्छा कॉलेज लें, फिर आगे कुछ भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, पर जैसे इसको अब इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म ले लीजिए बच्चों। पैरामीट्रिक फॉर्म इसकी हो जाएगी एक्स हो जाएगा सी टी, वाई हो जाएगा सी बाई टी। अब बच्चों जो भी करना है ना आप यहाँ से आगे मैथमेटिकली कर सकते हो, आप किसी को डेरिवेटिव का फंडा लगा के, जैसे मान लो टेंजेंट फाइंड करनी है तो आपने डी एक्स बाई डी टी निकाल दिया, डी वाई बाई डी टी निकाल दिया, माइनस सी बाई टी स्क्वायर। तो जो टेंजेंट का स्लोप है ना बच्चों, जो टेंजेंट का स्लोप है ना वो माइनस वन बाई टी स्क्वायर हो गया। देखो डी वाई बाई डी एक्स हो गया ना, वो माइनस वन बाई टी स्क्वायर, और जो नॉर्मल का स्लोप होगा वो टी स्क्वायर हो जाएगा। नॉर्मल का स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, टेंजेंट का स्लोप हमेशा नेगेटिव है। अच्छा सर फिगर तो बता दो ये दिखता कैसा है, यहाँ इससे थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी हमें। चलो बच्चों मैं फिगर दिखाता हूँ, फिगर में कैसा दिखता है ये। यस तो बच्चों को मेरे दिख भी रहा होगा कि कोई भी टेंजेंट बनाओगे हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल ही बनाएगा, और कोई भी नॉर्मल बनाओगे तो हमेशा एक्यूट एंगल ही बनाएगा। ठीक है तो फॉर नाउ वी आर डन। ठीक है अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग में देखते हैं कि और पर्टिकुलर कौन कौन सी थ्योरी हम वहां पर देख सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन पढ़िया तो क्वेश्चन पढ़े कि एक बार तो लगता है कि ये कैलकुलस का क्वेश्चन तो नहीं पूछ लिया, कुछ मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। तो कैलकुलस का क्वेश्चन नहीं पूछा है, कैलकुलस का क्वेश्चन नहीं पूछा है आपसे, अभी आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहली बात क्या है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये हमें ना सबसे पहली बात है कि हमें पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करने की हैबिट होनी चाहिए। तो सर जो पैराबोला आपने सिखाया था स्टैंडर्ड पैराबोला वो तो नहीं है सर ये, तो जो पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म हमारे सर ने याद करवाया था कौन सा याद करवाया था, 80² 280, वो तो यहाँ काम आएगा ही नहीं। तो बच्चों जरा दिमाग लगाइए कि ठीक है वो काम नहीं आएगा, लेकिन दूसरी पैरामेट्रिक फॉर्म आप खुद से नहीं सोच सकते क्या? ठीक है इतना मुश्किल है सोचना, एक्स माइनस टू को टी स्क्वायर सोच लिया तो वाई अपने आप टी हो गया। ठीक है अब इसका मतलब ये है कि टी स्क्वायर प्लस टू कॉमा टी पैराबोला का हमेशा एक पॉइंट होगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि टी स्क्वायर प्लस टू कॉमा टी पैराबोला का हमेशा एक पॉइंट होगा। अब इस पैराबोला के पॉइंट से जो लाइन की इक्वेशन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से इस लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो किसी पॉइंट का किसी लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बच्चों वो कैसे निकलता है, उस पॉइंट को लाइन में ढाल दिया जाता है, मॉड लगाया जाता है, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कोशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोशेंट ऑफ वाई स्क्वायर किया जाता है। आई एम श्योर ये डिस्टेंस फॉर्मूले से आप फैमिलियर हैं ही हैं। तो मैं सीधा डिस्टेंस लगाता हूँ, डिस्टेंस फाइंड करता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, तो टी स्क्वायर प्लस टू माइनस टी का मॉड ओवर अंडर रूट। अब मॉड के बाहर ना मैं पॉजिटिव वैल्यू ले आता हूं, क्योंकि मॉड के बाहर अगर मैं नेगेटिव वाला एक्सप्रेशन लाऊंगा, अगर मॉड के बाहर नेगेटिव वाला एक्सप्रेशन लाऊंगा तो बच्चों आपको आइडिया होगा इसका जो ग्राफ है ना वो ऐसा होता है पैराबोला ऑफ डाउनवर्ड्स क्वाड्रेटिक में आपने देखा होगा ना, तो भाई इसका तो कोई मिनिमम ही नहीं है, राइट? इसका तो बच्चों कोई मिनिमम ही नहीं है, इसका ग्राफ ऐसा होता है पैराबोला ऑफ अपवर्ड्स, तो इसका मिनिमम होगा, इसका मिनिमम होगा कहाँ होता है, माइनस बी बाई टू ए पर होता है। मिनिमम वैल्यू क्या होती है याद आ रहा है, क्वाड्रेटिक की बात बता रहा हूँ आपको, कितनी पुरानी बात है बच्चों, ये आपकी मिनिमम वैल्यू होती है माइनस डी बाई। ठीक है बोलोगे सर ये तो जुगाड़बाजी कर दिया आपने, जिससे आंसर आ रहा था उसको ले लिया, जिससे नहीं आ रहा था उसको छोड़ दिया, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो टाइम होता है ना तो मैं आपको समझाता एक्चुअली क्यों मैंने पहला लिया दूसरा नहीं लिया, इसलिए नहीं कि दूसरे से आंसर नहीं आ रहा था। तो जिनको समझ में आता है मैं उनके लिए हिंट बता देता हूँ अपने आप से एनालाइज करना, जिनको नहीं समझ आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास डिस्कस करने के लिए, इन चीज़ों में फंसने का एडवांटेज नहीं है।
तुम्हें हिंट क्या है जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए, पोजिशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। मैं रिपीट करता हूँ, पोजिशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। आप बच्चों फिगर बना के देख सकते हो कि जो पॉइंट है ना टी स्क्वायर प्लस टू कॉमा टी, वो लाइन के किस साइड लाई कर रहा है, और लाइन के किस साइड लाई कर रहा है उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि इस एक्सप्रेशन का साइन, मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन उसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो मॉड कुछ नहीं करेगा, अगर नेगेटिव होगा तो मॉड उसके माइनस साइन लगाकर उसे बाहर भेजेगा, राइट। तो अगर आपने पोजिशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन पढ़ाई कर रखी है उसके बारे में तो आपको समझ आएगा, नहीं पढ़ाई कर रखी बच्चों तो समझ नहीं आएगा, नहीं समझने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मेंस का एग्जाम है। तो आंसर पे अगर फोकस करें वैसे भी समझ में आता है कि मॉड के बाहर पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, नेगेटिव वाले को बाहर निकाला ना भैया तो शॉर्टेस्ट तो निकलेगा नहीं, राइट। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बहुत बुरी बात नहीं मेंस में कर पाना, लेकिन प्रॉपर तरीके से करना है तो वो भी मैंने आपको बता दिया क्या तरीका होगा बच्चों। पोजिशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन से आप प्रूफ कर सकते हैं कि सिर्फ पहला केस होगा, दूसरा केस वैलिड होगा ही नहीं, राइट। समझ नहीं आता तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करिए, एनर्जी को कंजर्व करिए, सब कुछ फैला लेना अभी आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। ट्रस्ट तो आपको बच्चों रखना ही पड़ेगा, ट्रस्ट इसलिए रखना पड़ेगा जस्ट ऐसे हवा हवा में नहीं, क्योंकि इन एग्जाम्स को हम खुद अच्छी तरीके से मतलब मेंस में तो स्कोर उस समय तो कुछ ज्यादा ही अच्छा स्कोर था तो फायदा नहीं करने वाला, मुझे क्लियर था, बिल्कुल क्लियर था मुझे कि मुझे तो नहीं जाना, मैं उस समय ट्रिपल इनाम होता था वे क्लियर था, पापा के प्रेशर में एग्जाम दिया था और वहां भी ऑप्शन होता था। अब तो आपको कंपलसरी है कि आपको मेंस तो देना ही पड़ेगा एडवांस देने के, वहाँ ऑप्शन था कि ए ट्रिपल ई देना है तो नहीं देना मत, तो आप यकीन मानिए विश्वास नहीं करोगे, इन्हें एक सिंगल मॉक नहीं दिया था, सीधा जाके ए ट्रिपल ई के एग्जाम ही दिया था क्योंकि मुझे इस एग्जाम में जाने का कुछ था ही नहीं, मुझे क्लियर था बिल्कुल लाइफ में कि इस एग्जाम के थ्रू मुझे नहीं जाना है, तो लेवल देखा था इसका तो इतना कुछ है नहीं इसमें, डेप्थ में इतना सोचने का कोई पॉइंट नहीं, डेप्थ में सोचना है तो एडवांस के लिए सोचो, और अभी जो आपकी तैयारी चल रही है वो सिर्फ मेंस के रिलेटेड चल रही है, एग्जाम बस बहुत करीब आ गया है, थोड़े दिन मेंस के लिए पढ़ लो उसके बाद एडवांस के लिए, पहले पढ़ा ही था उसके बाद फिर दोबारा पढ़ सकते हो, नहीं अभी इसी से एडमिशन लेना है तो वेल एंड गुड, काफ़ी लोग इससे भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, बस यही थोड़ा कि कॉलेज में जाके आपको थोड़ा सा मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, अपने आप को फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा ठीक रखना पड़ेगा, प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा, अपने आप ही आपको पढ़ने का जगह ढूंढना पड़ेगा, कोई हथौड़ा मार के पढ़ाएगा नहीं, आईटी में ना जबरदस्ती पीट पीट के पढ़ाते हैं, पढ़ना ही पड़ेगा नहीं तो फेल हो जाओ, मजबूरी है पढ़ना, लिबर्टी नहीं है। चलिए यहाँ काम के आपको लौटते हैं, तो जो डिस्टेंस बना ना बच्चों हमारा, तो यहाँ पर देखिए कि कंसीडर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाले, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, वन माइनस फोर इंटू टू माइनस सेवन, तो माइनस डी बाई फोर ए कितना होगा सेवन बाई फोर, इसका जो मिनिमम है टी स्क्वायर माइनस टू प्लस टी प्लस टू का वो है सेवन बाई फोर, तो मिनिमम इसका नहीं चाहिए ना भैया, हमें मिनिमम किसका चाहिए, मिनिमम चाहिए टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टू बाई रूट टू का, वो हो जाएगा सेवन बाई, राइट वो हो जाएगा सेवन बाई फोर रूट टू, ठीक है सब कुछ सही किया और इतना आसान क्वेश्चन में गलत नहीं करूंगा, कैलकुलेशन की गलती वेरीफाई कर ली वो भी सही है, मतलब क्वेश्चन कुछ गड़बड़ा, कई बार मेंस में गड़बड़ आ भी जाती है। चलिए इसको देखते, टेंजेंट्स टू द एलिप्स एट द पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टेंजेंट टू द एलिप्स एट द पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका मतलब क्या है बच्चों कि m1 m2 का प्रोडक्ट माइनस वन होगा, बहुत सिंपल सी बात है ना कि टेंजेंट्स अगर परपेंडिकुलर है, मतलब कोई भी दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होता है। अब भाई स्लोप कैसे आएगा टेंजेंट का, कोई कॉनिक सेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल इसको आप कैलकुलस का क्वेश्चन सोच लीजिए बच्चे, आप सिंपल इसे कैलकुलस का क्वेश्चन सोच लीजिए, आप डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हो जाएगा एट एक्स प्लस टू वाई इंटू वाई डैश, वाई डैश मतलब बच्चों डेरिवेटिव, राइट साइड जीरो क्यों हो गया, अरे यार क्या बात कर रहे हो, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो ही होगा ना, मजाक कर रहे हो क्या, तो टू कॉमन लेके हटा दीजिए फोर, तो बच्चों जो वाई डैश है वो माइनस फोर एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट आएगा ना, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट मतलब एट दिस पॉइंट, राइट। अब बोर्ड क्लियर करके अगर स्मार्ट बच्चे हो तो मुझे इतना पैम्पर भी करने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो बच्चों आप आराम से m1 चेक कर सकते हैं, m1 क्या होगा x0 की जगह 1 डालो, कहां से 1 2 आ रही है,
तो आप एक्स वन की जगह वन डालें, एक्स नॉट की जगह वन डालें, वाई नॉट की जगह टू डालें, तो माइनस फोर इंटू वन बाई टू, तो माइनस टू आ गया एक स्लोप। तो दूसरा स्लोप भी फाइंड कर लिया जाए, तो माइनस फोर इंटू एक्स नॉट, एक्स नॉट की जगह ए, वाई नॉट की जगह बी, तो क्या माइनस फोर ए बाई बी। अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि एम वन इंटू माइनस वन, एम वन इंटू माइनस वन वाली बात को दोबारा से अगर लिखे हम यहाँ पर, एम वन इंटू माइनस वन, एम वन इंटू को रिप्लेस करें, एम वन क्या है बच्चों माइनस टू, एम वन माइनस टू, एम टू क्या है माइनस फोर ए बाई बी, एम टू क्या है माइनस फोर ए बाई बी, नीचे लिख देता हूँ जी, तो कोई बात नहीं। एम वन एम टू अगर माइनस वन है तो माइनस टू एम वन हो गया, माइनस फोर ए बाई बी एम टू हो गया, इनका प्रोडक्ट माइनस वन, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और जो बी है वो माइनस एट ए हो जाएगा, राइट, बी ए वो माइनस एट ए हो जाएगा। हमने बी को क्या एलिमिनेट किया, क्वेश्चन एक बार हमने पूरा पढ़ लिया था और हमें पता था कि एग्जामिनर ए स्क्वायर चाह रहा है, बी को वैसे भी हटाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सर बी तो हटा नहीं, अरे तो कोई, आपको मैंने समझाया है ना कि जब भी पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करते हो तो जो पॉइंट होता है वो कर्व का फेथफुल होता है, ये बात हमेशा सेटिस्फाई होती है। जब आप पॉइंट फॉर्म में जाते हो बच्चों तो आपको ये बात लिखनी पड़ती है, द पॉइंट लाइज ऑन द पर्टिकुलर कर्व, राइट, द पॉइंट लाइज ऑन द पर्टिकुलर कर्व एंड वी हैवंट येट यूज द फैक्ट दैट स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी लाइज ऑन द एलिप्स। ए कॉमा बी अगर एलिप्स पे लाई करेगा, ए कॉमा बी बच्चों अगर एलिप्स पे लाई करेगा तो लाई करा दीजिए, स्वयं सेटिस्फाई करा दीजिए, तो फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एट हो जाएगा। नीचे लिख के आराम से सॉल्व कर लेते हैं कि हम जानते हैं बच्चों कि फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एट है, ठीक है, तो कर लीजिए फटाफट, कमेंट से आंसर डाल सकते हैं आप इसका, यही मैं रुका हूँ 15 सेकेंड लगने चाहिए इसका आंसर आने। आ गया, बी स्क्वायर को उठा के 64 ए स्क्वायर डाला तो 68 ए स्क्वायर 8, तो ए स्क्वायर 8 बाई 68, 8 बाई 68 को काट के हम 2 बाई 17 बोल सकते हैं। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन में कुछ मुश्किल नहीं है, बस दो तीन चीजें हैं उसको कवर कर लिया ना, तो कुछ बचता नहीं क्वेश्चन, मतलब दिमाग ऐसे कुछ भारी नहीं हो रहा है, हैवी सा दिमाग नहीं लगा, सिंपल सिंपल चीजें हैं, बस थोड़ी दो तीन चीजें उसको कनेक्ट करना है, कॉन्फिडेंट फील करना एग्जाम में बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंट ऐसे हवा हवा में फील नहीं करोगे आप, अपने आप से बोल पाओगे यस आई हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, तो आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम में बिहेव कर पाएंगे, और सिलेबस की कंप्लीशन के लिए जो सीरीज है ना हमारी, ये काफी मदद करेगी आपके। देखिए सिंपल सा एक क्वेश्चन है, एलिप्स जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, एलिप्स सेंटर, अच्छा देखो जो कुछ कुछ चीजें आप समझने की कोशिश करो, यहाँ मैं डायग्राम से समझाता हूँ आपको, जो हमने मैंने बोला था कि फिगर ना, कि जो फिगर है उसको आप ऑब्जर्व करके याद करिएगा, ये जो फोकस था बच्चों आपने ऑब्जर्व किया कि जो फोकस का मिड पॉइंट है वो सेंटर होता है, सेंटर क्या है जीरो कॉमा, ये सेंटर होता है जीरो कॉमा से, तो फोकस का मिड पॉइंट हमेशा सेंटर होता है, चाहे इस तरह हिल भी जाए ना, याद कर लीजिए क्या है, यहाँ पर बता ही दिया आपको सेंटर ओरिजिन पे है, ठीक है, मतलब सिंपल वाली बात है, डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इज 10, तो मेजर एक्सिस क्या था 2a, माइनर एक्सिस क्या था 2b, इनका डिफरेंस हो गया 10, माइनर एक्सिस 10 हो गया, माइनस एक्सिस 10 हो गया मतलब 2b 10 हो गया, वन ऑफ द फोकाई 0.503, गलत हो गया हमारा, क्योंकि जो फोकाई है ना बच्चों वो तो x एक्सिस पे होता था, जो फोकाई है वो तो यार x एक्सिस पे होता था, इसका फोकाई y एक्सिस पे चला गया, इसका मतलब 2a मेजर एक्सिस की लेंथ नहीं है, 2b माइनर एक्सिस की लेंथ नहीं, चीजें बदल गई हैं, राइट, तो जरा सा हम एलिप्स पे गौर कर लें बच्चों, अगर आपको समझ में कम आ रहा है तो एलिप्स ना कुछ ऐसा हो गया है, तभी तो एलिप्स का जो एलिप्स कुछ ऐसा हो गया है
तभी तो एरेस का एक फोकस है ना, वो 0.5 वाई एक्सिस पे है मेरे बच्चों। जो मेजर एक्सिस है ना इस पर, मेजर एक्सिस 2b हो गई है, और जो माइनर एक्सिस है उसकी लेंथ 2a हो गई है, ठीक है। तो बी ए से बड़ा है यहाँ पर, अच्छे से इस बात को आप समझ लीजिए। इक्वेशन तो वही है अपनी, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, लेकिन ए बी में बी बड़ा हो गया है इस बार, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के अनुसार फिर से चलते हैं। तो ध्यान रखना, मेन जैसे एग्जाम में आइडिया मुश्किल नहीं होता है, केयरलेसनेस की बात होती है। ध्यान से करोगे ना बच्चों, सोच सोच के ध्यान से करोगे तो दिक्कत नहीं आती है। जल्दबाजी करोगे, बिना सोचे समझे करोगे, जल्दबाजी तो करनी है हमें, लेकिन बिना सोचे समझे नहीं करना। तो सोचना भी सिर्फ जल्दबाजी भी करनी है, लेकिन थोड़ा बड़ा सोचना है, ज़्यादा थोड़ी सोचना है, इतना तो जल्दी में सोच ही सकते हैं, प्रैक्टिस अच्छी हमारी है। तो अब हम क्या करें, डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, 2b माइनस 2a दिया हुआ है, वन ऑफ द फोक, और माइनर एक्सिस के लिए 10 दे रखी है, एंड द माइनर एक्सिस इज 10, 2a 10 दिया हुआ है, 2b सीधा 20 आ गया, ठीक है। वन ऑफ द फोकाई इज, तो 2b स्क्वायर माइनर एक्सिस इज 10, माइनर एक्सिस की लेंथ ही दे दी, और जो फोकाई 0.5√3 है, तो इससे हमें बी स्क्वायर बाई ए इन्होंने देख ही दिया, एसेंट्रिसिटी की जरूरत भी नहीं है। तो ए 5 b 10, लेकिन डेटा मैच करना पड़ेगा, इसका डेटा मैच करता है कि नहीं करता, देख लेते हैं। ई स्क्वायर क्या होता है, 1 − b² / a², लेकिन यहाँ ए जो है ना वो बी से छोटा है, तो उल्टा हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 − e/b कोर्स कर लेंगे, 1/4 मतलब 3/4 हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका √3/2, ये हो जाएगा √3/2। अब देखो बी फोकस क्या होता है, फोकस बी ई पर होता है, फोकस 0.b पर होगा ना, ऐसे तो ए ई 0 पे होता है फोकस बच्चों आपका, ए ई 0 पे होता है, लेकिन जो फोकस है आपका वो 0.b पर होगा, राइट, 0.b पर होगा। तो 0 तो 0 है और बी आपका 10 है, ठीक है, बात मैच करिए। तो मैं ऐसे ही चेक कर रहा था कि क्वेश्चन में वैलिड है कि नहीं, तो पता है इसकी जरूरत भी नहीं है, वी डू नॉट नीड टू डू दिस स्टेप, नॉट रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन में फालतू का डेटा दे दिया है, क्वेश्चन फालतू का डेटा दे दिया, क्वेश्चन काफी आसान है, क्योंकि आपका ए और बी तो सिंपल ऑब्जर्वेशन से ही आ गए। तो आपकी जो लेटर सेटम की लेंथ होती है ना, वो मैंने याद कराया था ना, वो 2b² / a होती है, लेकिन यहाँ पर वो 2a² / b है। बता सकते हैं क्यों? क्योंकि इस बार मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस नहीं है, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो ए और बी का रोल इंटरचेंज हो गया है। तो लेटर सिस्टम की लेंथ का फॉर्मूला हमने बच्चों 2b² / a याद किया था, अब वो चलेगा 2a² / b, बिकॉज बी इज ग्रेटर देन ए, बिकॉज बी इज ग्रेटर देन ए। तो वैल्यू डाल दीजिए, कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, 2 × a² मतलब 25, बी मतलब 10, 50/10 5। तो ई निकालने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, वेरीफाई करें तो बस उनका जो था ना, वन ऑफ द फोकाई 0.5√3, उससे बस ये पता चलता था कि बड़ा कौन है और छोटा कौन। तो एसेंट्रिसिटी ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोला पासिंग थ्रू पॉइंट 4.6 दिया, स्टैंडर्ड हाइपरबोला, तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन क्या थी, x² / a² − y² / b² = 2, जबकि स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन 4.6 से हाइपरबोला पास करता है। तो डाल देते 4.6, 16 / a² − 36 / b² = 1, एसेंट्रिसिटी इसका 2 है। एसेंट्रिसिटी होता है कैसे हाइपरबोला का, 1 + b² / a² होता है, वो 2 है 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो b² = 3a² वन और टू को बच्चों आप एक साथ सॉल्व करें, कैलकुलेशन तो आपकी वजह से काफी तेज होनी चाहिए ना, आपकी एज पे जो है कैलकुलेशन काफी तेज होती है। बी स्क्वायर की जगह 3a² रखा तो a² 4 आ जाएगा फटाफट, चेक लो, और b² 12 आ जाएगा, चेक कर सकते हो, चेक कर लो कैलकुलेशन। तो आपकी जो हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाएगी
आपकी जो हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाएगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, वो लिख लेते हैं, ए स्क्वायर की जगह 4, बी स्क्वायर की जगह 12। ध्यान रखो हाइपरबोला में ए बी से बड़ा ए बी से छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी शेप वही रहती है, सारा कुछ वही रहता है। बिल्कुल ध्यान से इस बात को आप समझ लीजिएगा बच्चों कि हाइपरबोला में फर्क नहीं पड़ता कि ए बी से बड़ा है या ए बी से छोटा है, पहले से फर्क पड़ता है कि ए बी से बड़ा है या ए बी से छोटा है। तो बच्चा क्या कुछ बचा ही नहीं करने के लिए यार, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 4.6 मैंने आपको बताया था ना ये पॉइंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, टेंजेंट x स्क्वायर को लिखते हैं x x1, कांस्टेंट को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, y स्क्वायर लिखते हैं y y1, कांस्टेंट को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो बच्चा क्या बच्चों x - y/2 = 1 सिंपलीफाई करो तो 2x - y = 2, 2x - y = 2 दिखता है क्या, बिल्कुल दिखता है सर, सी ऑप्शन थोड़ी करेगी इतना सिंपल सा क्वेश्चन, कैलकुलेशन वेरीफाई कर लीजिए, आई डोंट थिंक गलती यहाँ पर। तो आप ये देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो ना, तो मैं अपने से तो मैंने क्वेश्चन नहीं बनाए, एक्चुअली क्वेश्चन आ रखे, मैं जबरदस्ती का फील गुड फैक्टर आपको नहीं करवा रहा, मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बिल्कुल रीच में होते हैं मेंस एग्जाम में, कोने सेक्शन में, और इनको करना तो बहुत जरूरी होता है ताकि पेपर में अच्छा खासा स्कोर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाए। वन एंड ऑफ ए फोकल कॉर्ड, तो पहले पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, y² = 4 × 4 × x, तो जो आपका a है बच्चों वो 4 हो गया, y² = 4ax होता है ना, तो जो a है आपका वो 4 हो गया, ठीक है। अब पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, at², 2at, मतलब a की जगह 4t² 8t, और पॉइंट कौन सा है 1.4, तो आसानी से बता सकते हैं ना बच्चों की जो t है वो आपका 1/2 है, राइट, जो t है वो आपका 1/2 है। जरा थ्योरी में पीछे जाकर देखिए बच्चों, आपको लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड मैंने याद कराई थी, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड याद कराई थी मैंने, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड मैंने आपको याद कराया था at + 1/t का स्क्वायर, बस उठाकर वैल्यू डाल देनी है, डाल के अपने आंसर निकालते हैं, फिर कुछ बात करते हैं। a तो आपका 4 है, 1/2 + 2 का स्क्वायर 4 × 25/4, 25 आपका आंसर, राइट, क्वेश्चन खत्म। अब बात फोकल कॉर्ड की है, तो फोकल की कॉर्ड के बारे में आपको कुछ और बातें भी याद होंगी, फोकल कॉर्ड कह रहे हैं आपको क्या बात याद होगी बच्चों, t1 t2 - 1 होता है। चलो एक और बात हम कर सकते हैं यहाँ पर, कि जैसे ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, अगर ये फोकस है तो अगर फोकल कॉर्ड ड्रॉ की गई है ना 1.4, फोकल कॉर्ड ड्रॉ की गई है, तो ये भी इसे मान लो ये पॉइंट 1.4 है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ ये कौन सा पॉइंट है, राइट, बताओ ये कौन सा पॉइंट हो, इसके पैरामीटर को अगर हमने t2 मान लिया और इसका पैरामीटर t1 है, तो बच्चों आपको याद है ना कि t1 t2 - 1 होता है, याद है t1 t2 - 1 होता है। मैं क्वेश्चन खत्म हो गया, मैं ऐसे ही अपने से क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो मान लो ये भी पूछा जाता है कि फोकल कॉर्ड का जो दूसरा एंड पॉइंट है वो बताओ, तो t1 t2 - 1 है, t1 आपने पहले ही फाइंड कर लिया हाफ, t1 बच्चों आपने पहले ही फाइंड कर लिया हाफ है, तो t2 जो है ना वो 2 हो जाएगा, t2 जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब t2 अगर 2 हो गया तो जो पॉइंट होता है at², 2at², उसमें a की वैल्यू 4 डाल दीजिए, a की वैल्यू 4 डाल दीजिए और t2 का स्क्वायर, a की वैल्यू 4 डाल दीजिए और t2, तो क्या पॉइंट आता है ये 16.16, और ए क्या था बच्चों, ए था 1.4, ए क्या था 1.4, ठीक है, 4 × 4 2 × 4 2
सॉरी माइनस टू वन माइनस टी टी वन हाफ है ना माइनस सिक्सटी ठीक है। अब देखिए ए बी का डिस्टेंस देख लीजिए, ए बी का डिस्टेंस निकालिए 25 आ जाएगा जो हमने पहले फाइंड कर लिया राइट। 25 जो आया था ना यार शॉर्टकट फॉर्म डिस्टेंस वो ऐसे भी आ सकता है ठीक है। एक और काम कर सकते हैं आप, फोकल कॉर्ड है भैया तो जो फोकस से पास भी तो करेगा, फोकस क्या है 4,0 तो ए एस से ए एस की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ए पता एस पता एस की इक्वेशन आ जाएगी, पैराबोला सॉल्व किया बी आ जाएगा। मतलब बहुत सारे तरीके हैं, तो जब अच्छे से पढ़ते हो ना तो बहुत सारे तरीके दिमाग में आ जाते हैं, उससे जो सबसे एफिशिएंट तरीका आपको नजर आता है उससे एग्जाम में क्वेश्चन कर लेना चाहिए। अब सर के एग्जाम में हमेशा सबसे एफिशिएंट तरीका दिमाग में आता है, नहीं हमेशा नहीं आता तो कोई बात नहीं, बहुत नेचुरल है। लेकिन अगर आप 25 क्वेश्चन सॉल्व करें तो कम से कम 7-8 तो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर ही सकते हो, बहुत कंजर्वेटिवली बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही हो सकता है। इस क्वेश्चन को देखिए, तो टेंजेंट टू द पैराबोला एट अ पॉइंट, पहली बात एट अ पॉइंट है तो पॉइंट जो है वो पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा, उसके बिना तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, ये बात तो है। दूसरी बात एट है, एट मतलब टेंजेंट ट्रांसफॉर्मेशन से टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, तो y स्क्वायर को लिखा वाई वाई वन, एक्स को लिखा एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, एक्स को लिखा एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, तो ये वेरिएबल जितने कम रहेंगे उतना अच्छा रहेगा ना, तो अल्फा को बीटा स्क्वायर रख दो, टू वाई बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस बीटा स्क्वायर, तो वाई हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा वन बाई टू बीटा इंटू एक्स प्लस बीटा बाई टू, उसको आप कंपेयर कर लीजिए वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, इसको बच्चा आप कंपेयर कर लीजिए एम एक्स प्लस सी से, तो इसका जो स्लोप है वो वन बाई टू बीटा है और जो वाई इंटरसेप्ट है वो बीटा बाई टू है। क्या जरूरत पड़ेगी अभी हम देख लेते हैं, तो मुझे किसी पता जरूरत पड़ी क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन देखा हुआ है। आप भी चलो मान लो इस बात पे कंक्लूड नहीं कर पाते, जब क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे और आप देखोगे कि टेंजेंट टू द एलिप्स के बारे में बात हो रही है तो एलिप्स की कंडीशन और टेंजेंसी दिमाग में आएगी ना बच्चों, आपको जब आप आगे पढ़ेंगे कि टेंजेंट टू एलिप्स की बात हो रही है तो एलिप्स की कंडीशन और टेंजेंसी तो बच्चों को दिमाग में आएगी ना। एलिप्स की कंडीशन और टेंजेंसी क्या होती है, सी स्क्वायर टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमारे पास एम स्क्वायर है हमारे पास सी स्क्वायर है, जरूरत किसकी है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की, वो दिया है क्या सर, वो डायरेक्टली नहीं दिख रहा, धोखा मत खाना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो पहले आप, स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों आप लिखेंगे इसे तो एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस वाई स्क्वायर बाई वन बाई टू इज इक्वल टू वन, तो ए स्क्वायर वन है बी स्क्वायर वन बाई टू है राइट, तो बस आपको वैल्यू उठा उठा कर डाल देनी है ठीक है बच्चों। तो कैसे क्वेश्चन किया हमने, पहले टेंजेंट की बात थी पैराबोला पे तो टेंजेंट की क्वेश्चन लिखी और वही टेंजेंट एलिप्स का भी टेंजेंट है, यानी जो कॉमन टेंजेंट है ना ये तो फेवरेट टॉपिक है मींस वालों को बहुत बार आता है, तो पहले पैराबोला के लिए टेंजेंट लिखा और उस टेंजेंट को एलिप्स के लिए टेंजेंट बना दिया, कैसे एलिप्स के लिए कंडीशन टेंजेंसी सेटिस्फाई करा, कंडीशन टेंजेंसी क्या होती है एलिप्स की, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो सब हमने सही से दिमाग लगा के निकाल लिया। अब कैलकुलेशन की बारी आती, तो सी स्क्वायर है आपका बीटा स्क्वायर बाई फोर, ए स्क्वायर वन एम स्क्वायर वन बाई फोर बीटा स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर वन बाई फोर, तो फोर की तो सी स्क्वायर टू टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर वन है बी स्क्वायर वन बाई टू है और बी स्क्वायर बाई टू तो बी स्क्वायर वन बाई टू है ना, वन बाई टू बी स्क्वायर पूरा पूरा वन बाई टू बी वन बाई टू बी ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई बीटा स्क्वायर प्लस टू, फोर से मल्टीप्लाई कर दिया बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते, बीटा फोर इज इक्वल टू वन प्लस टू बीटा स्क्वायर, बीटा फोर माइनस टू बीटा स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो बीटा स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू टू प्लस माइनस रूट टू बाई टू, तो वन प्लस रूट अगर हम रूट टू कॉमन ले लें
फोर कैलकुलेट करना पड़ेगा बीटा फोर, बीटा फोर इसका टू वन प्लस टू बीटा स्क्वायर, बीटा फोर तो बीटा स्क्वायर वन हो जाएगा कैलकुलेशन फोर से मल्टीप्लाई किया बीटा स्क्वायर कैलकुलेशन की कुछ मैं देख लेते हैं एक बार यहाँ से कोई बात नहीं। अल्फा को मैं बीटा सेटिस्फाई करते हैं तो एक्स एक्स अल्फा है वाई बीटा है तो बीटा स्क्वायर स्क्वायर अल्फा ठीक है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर परफेक्टली राइट है। तो टेंजेंट की कुछ लिखी वाई स्क्वायर पर लिखा वाई बाई वन वाई बीटा एक्स पर लिखा एक्स प्लस एक्स वन बाई टू टू वाई बीटा स्क्वायर टू एक्स प्लस अल्फा अल्फा को लिख दिया बीटा स्क्वायर तो वाई पर रहने दिया बाकी टू बीटा से डिवाइड कर दिया तो वन बाई टू बीटा इंटू एक्स आ गया और बीटा बाई टू आ गया ठीक है। तो सी आपका बीटा बाई टू है एम वन बाई टू बीटा है और सी स्क्वायर स्क्वायर टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर वन आ गया बी स्क्वायर वन बाई टू आ गया तो सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाई फोर स्क्वायर टू ए स्क्वायर वन एंड एम स्क्वायर इज वन बाई फोर बीटा स्क्वायर ठीक है प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं फोर से राइट अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं फोर से वन कुछ गलती कैलकुलेशन सिंपल से ले कुछ गलती कर दी मैंने बीटा स्क्वायर फोर से मल्टीप्लाई कर दिया तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई बीटा स्क्वायर प्लस टू तो बीटा फोर इक्वल टू वन प्लस टू बीटा स्क्वायर कैलकुलेशन की छोटी सी गलती हुई थी बीटा फोर माइनस टू बीटा स्क्वायर माइनस वन प्लस वन थोड़ी होगा माइनस वन होगा ना राइट। तो अगर बीटा स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू टू प्लस माइनस फोर प्लस फोर टू रूट टू बाई टू कैलकुलेशन गलती हुई सॉरी तो टू कॉमन ले लें तो वन प्लस माइनस रूट टू बीटा स्क्वायर पॉजिटिव है ऑब्वियसली वन माइनस रूट टू तो ले नहीं सकता ना क्योंकि वन माइनस रूट टू निगेटिव हो जाएगा जो कि बीटा स्क्वायर को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो बीटा स्क्वायर ही तो अल्फा है ना थोड़ी कैलकुलेशन की गलती हो गई थी तो बाकी कंडीशन टेंसी लगाया पॉइंट लिखा कंपेयर किया और सॉल्व कर लिया कैलकुलेशन की गलती नहीं करेंगे तो हम इसको आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। और लास्ट में छोटी सी बात की चूंकि बीटा स्क्वायर पॉजिटिव है ऑब्वियसली बीटा स्क्वायर तो पॉजिटिव ही है ना तो वन प्लस रूट टू लोगे वन माइनस रूट टू आप कंसिडर नहीं कर सकते। ये जो लाइन है देख लो टेंजेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है टेंजेंट बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है वो टेंजेंट है एलिप्स के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पर तो हम ऐसा क्यों नहीं करें बहुत फेमस ही स्ट्रेटजी कि एक ही चीज़ को दो बार लिखना और दोनों को कंपेयर कर देना तो क्यों ना इस पॉइंट पर एलिप्स के लिए टेंजेंट लिखा जाए इस पॉइंट पर एलिप्स के लिए टेंजेंट लिखा जाए और जो टेंजेंट गिवन है उसे कंपेयर कर दिया जाए। अगर टेंजेंट लिखोगे बच्चों आप तो टेंजेंट ट्रांसफॉर्मेशन से टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर को लिखते हैं एक्स एक्स वन कॉन्स्टेंट को डिस्टर्ब नहीं करते हैं वाई स्क्वायर को लिखते हैं वाई वाई वन कॉन्स्टेंट को डिस्टर्ब नहीं करते हैं या फिर टेंजेंट की इक्वेशन होती है। तो ये जो इक्वेशन आपने लिखी और जो ये इक्वेशन गिवन है दोनों सेम है ना राइट वो भी टेंजेंट है ये भी टेंजेंट है सेम पॉइंट पे तो आपने एक अपनी मर्जी से टेंजेंट की क्वेश्चन लिख दी एक टेंजेंट की क्वेश्चन गिवन थी दोनों को आपस से कंपेयर कर सकते हैं मतलब कोएफिशिएंट्स का रेशियो इक्वेट कर सकते हैं तो करते हैं कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वेट तो थ्री बाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई वन इज इक्वल टू माइनस नाइन बाई टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस टू डिवाइड बाई माइनस टू चेक कर सकते हैं वन बाई टू कोएफिशिएंट कंपेयर करें कुछ दिमाग नहीं लगा ऊपर नीचे कोएफिशिएंट कंपेयर करें तो थ्री बाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस नाइन बाई टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस टू इज इक्वल टू वन बाई टू
तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बच्चों 36 हो गया सीधा सीधा, वो बी स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/4 × 12 तो 27। अब भाई लैटस रेक्टम ऑफ एलिप्स क्या होता है, लैटस रेक्टम ऑफ एलिप्स क्या होता है, लेंथ उसकी 2 × b² / a होती है, 2 × b² / a होती है, सर 2 × a² / b भी तो हो सकती है अगर a छोटा हो जाएगा b बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ साफ साफ दिख रहा है ना बच्चों कि a b से बड़ा है, मतलब अपना सिंपल वाला एलिप्स है, ज़रा पंगे वाली बात नहीं है, सिंपल वाला एलिप्स है जिसमें a b से बड़ा होता है। तो फॉर्मूला लगा दोगे आप तो 2b² / a, a 6 है, a स्क्वायर 36 है, a तो 6 है, तो आंसर आ जाएगा ये आप पर हमारा। बहुत फेमस स्ट्रेटजी होती है कि एक ही चीज़ को दो टाइप से लिखा और दोनों को आपस में कंपेयर कर दिया, बाकी कैलकुलेशन का पार्ट तो आप मेरे से बेटर कर सकते हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स है हाइपरबोला का, तो कॉरस्पॉन्डिंग फोकस मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हाइपरबोला होता है ना अपना, उसमें दो डायरेक्ट्रिक्स और दो फोकस होते हैं, तो जिस डायरेक्ट्रिक्स की बात हो रही है उसी साइड का फोकस आपने बताना होता है। तो भाई जो डायरेक्ट्रिक्स है x = -9/5 बच्चों वो ये वाला है ना, देखो क्वेश्चन के अनुसार x = -9/5 जो डायरेक्ट्रिक्स है वो ये वाला है, तो आपको ये वाला फोकस बताना पड़ेगा। s आपसे नहीं पूछा बच्चों, आपसे s प्राइम पूछा है, ये वाली गलती मत कर दीजिएगा। बाकी तो क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, हम क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 144 से डिवाइड कर दिया, x² / 9 - y² / 16 = मैंने आपको समझाया था बच्चों कि हाइपरबोला में a बड़ा हो या b बड़ा हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो a² 9 b² 16, तो व्हाट इज e² 1 + b² / a² 1 + 16/9 दैट इज e स्क्वायर, तो e हो जाएगा 5/3। तो बच्चों मेरे s प्राइम क्या है, -ae, 0 एस प्राइम क्या है, -ae, 0 राइट, तो माइनस ए क्या है, ए तो अपना ए 3 है, तो -ae, 0 लिखेंगे आप, तो ये पॉइंट आपको नहीं दिख रहा, गलती से डी मत मार्क कर देना। तो कॉरस्पॉन्डिंग फोकस पूछा है, तो दो जो डायरेक्ट्रिक्स है उसी के साइड का आप फोकस बताओगे, नहीं तो सारा मामला खराब हो जाएगा। कॉमन टेंजेंट मैंने बोला फेवरेट क्वेश्चन है कॉमन टेंजेंट, तो कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चन में ना मैं समझा देता हूँ आपको, कॉमन टेंजेंट वाले क्वेश्चंस में राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर द कर्व फॉर विच वी हैव फॉर्मूला, वी हैव फॉर्मूला। शुरुआत ऐसे करो कॉमन टेंजेंट वाले क्वेश्चंस में, उस कर्व के लिए आप टेंजेंट लिखो, आप उस कर्व के लिए टेंजेंट की इक्वेशन लिखो जिसका फॉर्मूला आपको पता है, उसके बाद देन एलिमिनेट एक्स और वाई एंड यूज डिस्क्रिमिनेंट = 0 और यूज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इफ पॉसिबल। मैं समझा देता हूं पर क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे मान लो पैराबोला एलिप्स है, एक क्वेश्चन था भी ना हमारा पैराबोला एलिप्स का, तो पैराबोला आसान है, पैराबोला के लिए टेंजेंट लिखी, एक क्वेश्चन था हमारा पैराबोला एलिप्स का भी शुरुआत में, तो पैराबोला के लिए टेंजेंट की क्वेश्चन लिखी, एलिप्स के साथ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सेटिस्फाई करा दी, क्योंकि पैराबोला के लिए लिखना थोड़ा ज्यादा आसान है। अब यहां पर पैराबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए हमने कोई इक्वेशन याद नहीं करी, तो हम पैराबोला के लिए लिखेंगे टेंजेंट और एक्स और वाई में से कोई एलिमिनेट करके डिस्क्रिमिनेंट को जीरो कर देंगे, क्योंकि वो तो सबसे फंडामेंटल तरीका होता है टेंजेंसी की कंडीशन डिराइव करने का। कौन सा तरीका, कि एक्स और वाई में से एक एलिमिनेट किया और डिस्क्रिमिनेंट को जीरो कर दिया। क्यों ऐसा कर पाते हैं हम, क्योंकि एक्स और वाई में से किसी को एलिमिनेट करोगे तो दूसरे में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बनेगी उसका डिस्क्रिमिनेंट जब जीरो होगा मतलब वो टच करेगा, और टच करना ही तो टेंजेंट की कंडीशन होती है ना बच्चों। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, तो हम पैराबोला के लिए जानते हैं कि y² = 4 × 4 × x है, तो a भैया इसका 4 है, इसकी जो इक्वेशन होती है याद है आपको y = mx + a/n, तो ये जो इक्वेशन है ना वो पैराबोला के लिए टेंजेंट है,
Now, if this is tangent to xy is equal to minus 4, अगर xy is equal to minus 4 के लिए tangent, अगर xy is equal to minus 4 के लिए tangent है बच्चों, तो जरा y को हटाइए वहां से, y को लिखिए mx plus 4 by, आपको समझ आ रहा होगा मैं eliminate कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा आपको pamper equation का number देकर school type से feeling देने की जरूरत नहीं, पेज भरना थोड़ी है मैं board exam में, पेज भरा नंबर दे दिए, काम से मतलब है, देखिए रहा है कौन से दो इक्वेशन को मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो पहले मैं इसको क्वाड्रेटिक बना लेता हूँ, तो एम एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स बाई एम प्लस फोर इजक्वल टू जीरो, एम एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स बाई एम प्लस फोर इजक्वल टू जीरो। अब मुझे इसका डिस्क्रिमिनेंट उठा के जीरो करना है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करता हूँ, 16 बाई एम स्क्वायर माइनस फोर इंटू फोर इंटू एम उठा के मुझे जीरो करना है, इसका मतलब वन इजक्वल टू एम क्यूब, इसका मतलब एम इजक्वल टू वन, एम इजक्वल टू वन को उठा के डालोगे आप तो इक्वेशन क्या आएगी, वाई इजक्वल टू एक्स प्लस फोर, दैट्स इट, वाई इजक्वल टू एक्स प्लस फोर। समझ आ रही है बात आपको, तो पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए फिर तो आप कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, कि जो आसान कर्व है, जो ज़्यादा एक्सेसिबल कर्व है, जो ज़्यादा जानी पहचानी कर रहे हो, उसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए और दूसरे वाले के साथ कंडीशन टेंसी सेटिस्फाई करा दीजिए, काम हो जाएगा। कंडीशन टेंसी नहीं है आपके पास तो सिंपल बेसिक से जाइए, दोनों कर में से एक्स और एम से एलिमिनेट करिए और डिस्क्रिमिनेंट को उठाकर जीरो कर दीजिए, क्योंकि उससे बेसिक तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, नोट कर लिया होगा बच्चों आपने, तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एलिप्स जिसके फोकाई है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलो मैं एक मिनट में हो जाना चाहिए, एक मिनट थोड़ा सा वोट साइड पे हो गया, लेकिन मतलब एक मिनट में काफी अच्छा हेडवे बन देना चाहिए, आप पहले ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। लास्ट क्वेश्चन वैसे भी चेक हो जाएगा, आपको समझ आ रहा था नहीं, ठीक है बच्चों, तो आपने क्या देखा, दो फोकाई, 0,2 0,-2, तो s आपका अगर 0,2 है, s प्राइम बच्चों आपका 0,-2 है, तो इसका जो मिड पॉइंट है, इसका जो मिड पॉइंट है वो 0,0 है, मतलब सेंटर आपका ओरिजिन है, इसका मतलब जो एलिप्स है ना आपकी वो स्टैंडर्ड वाली है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, नहीं तो थोड़ी शिफ्टिंग करनी पड़ती, उसकी जरूरत मेंस में तो नहीं ही पड़ती। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो जो फोकाई है वो y एक्सिस पे है, जो फोकाई है बच्चों वो y एक्सिस पे है, तो जो एलिप्स है वो ऐसी है, ठीक है, फोकाई y एक्सिस पे है, इसका मतलब ये है कि ये s है और ये s प्राइम है, तो s s प्राइम तो 2ae होता है, गलत, s s प्राइम 2ae होता है जब मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, तो s s प्राइम मेरे बच्चों यहाँ पर 2be है और उसकी वैल्यू दे रखी है क्या क्वेश्चन में, 4, एस एस प्राइम की इसका डिस्टेंस 4 है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो बी ई कितना है आपका, बी टू, राइट, बी टू आ गया। ठीक है, एक मिनट में आपको सॉल्व नहीं होना था, लेकिन हेडवे तो अच्छा मिल जाना था, ये कहने का मतलब था मेरा, सॉल्व करना वर्ड्स बोल दिया था, बी टू है, माइनस एक्सिस की लेंथ फोर है, तो बी टू आ गया, माइनस एक्सिस की लेंथ 4 आ गई, तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, देखो फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल फॉर्मूला होता है बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, गलत, यहाँ पर हम लगे ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, राइट, लगे 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो ई क्या है, ई है 2 बाई बी, उसका स्क्वायर 4 बाई बी स्क्वायर, 1 माइनस ए, ए का स्क्वायर तो 16 है, उठा के यहाँ वैल्यू डाल दिया, कुछ खास नहीं करे, समझाने में टाइम लग रहा है, अगर आप अपने लिए करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, उठा के वैल्यू डाल दी, ई की जगह 2 बाई बी डाल दिया, उसका स्क्वायर 4 बाई बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर की जगह सीधा 16 डाल दिया, सॉरी मैं मिस्टेक, माइनस एक्सिस की लेंथ 4 है तो 2a 4 है, माइनस एक्सिस की लेंथ 4 है तो माइनस एक्सिस की लेंथ 2a होती है, 2a 4 है तो a तो 2 है, a 2 है तो उसका स्क्वायर 4 है, ठीक है, तो क्या आ रहा है 8 बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर 8 आ गया,
बी स्क्वायर एट आ गया, ए स्क्वायर आपका बच्चों था ही क्या पता था, ए स्क्वायर तो हमारा फोर है क्योंकि ए टू है, ए टू है तो ए स्क्वायर फोर है, तो इक्वेशन आ गई ना, इक्वेशन क्या आ जाएगी फाइनली, इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह फोर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह एट, एक्स स्क्वायर की जगह बाई फोर वाई स्क्वायर बाई एट। अब चेक करिए कौन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, चेक करना पड़ेगा। तो रूट टू कमा टू, रूट टू डाला तो टू कमा टू फोर तो नहीं करता, बी और सी तो आउटराइटली नहीं करते क्योंकि बी और सी डालने से पहला वाला ही वन बन जा रहा है, वो तो काम करेंगे ही नहीं करेंगे, ये भी नहीं करता इसको डालने, दूसरा वाला वन बन जा रहा है, ये करना चाहिए, चेक कर लेते हैं फोर बाई एट, यस ये करता है, कैलकुलेशन तो फटाफट आप मेरे से बेटर कर ही सकते हो। तो लास्ट पर चेक कर लेते टू बाई फोर वन बाई टू, ठीक है गुड। तो बच्चों कोनिक सेक्शन है, मेरी आपको एडवाइस ये रहेगी कि जो फॉर्मूले हैं फॉर्मूले को याद करिए, क्वेश्चंस को आप सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस की हर वैरायटी का कुछ एक एक क्वेश्चन देख लीजिए तो एग्जाम में कॉन्फिडेंट होकर जाएंगे ना, तो हमें कोई खास दिक्कत एग्जाम में आने नहीं वाली है। ऑल द बेस्ट आपको पूरी प्रिपरेशन के लिए।